पुष्कर सिंह जो है ग्राम खड़िया रेंज कार्यालय। यहाँ पर शुक्रवार के रात को हाथी बहुत से आ गई और गन्ने के खेत में प्रवेश कर गई। गन्ना बहुत नुकसान किया, लगभग एक एक किसान का एक एकड़ तक गन्ना जो है नुकसान हुआ है। रेंज विभाग को सूचना दी गई, ना ही कोई यहाँ पदाधिकारी आया, ना उसमें कोई कर्मचारी आए। इसमें जो है गांव में गुस्से का माहौल बना हुआ है और यहाँ लोग दहशत में भी हैं। और फिलहाल हाथी कब आ जाए अभी कोई संभावना नहीं। यहाँ झोपड़पट्टी के लोग ज़्यादा हैं, उसका भी नुकसान होना है। धान की फसल है, यहाँ धान की फसल तमाम नुकसान कर रही हैं। गाँव के लोग बहुत दहशत में हैं। अब गाँव के लोग जो है इधर चूका पड़ता है, इधर जंगल है, अब जाएँ तो किधर जाएँ। मुश्किल संभावना यह है कि कब हाथी आ जाए। खतरनिया घाट संरक्षित वन्यजीव प्रभाग में तेंदुओं के बाद अब जंगली हाथियों का आतंक व्याप्त हो गया है। अब तक खतरनिया घाट और निशानघाड़ा रेंज में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा था, जिससे अब जंगल के करीब सटे हुए गांवों में जान हाथियों ने आतंक मचा रखा था। लेकिन अब जंगली हाथियों का निशाना कस्बे मिहपुरवा कस्बे से सटे हुए मोतीपुर रेंज के आसपास के गांवों में हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जंगली हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ फूस के मकानों को भी ढहा रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन वन विभाग की कुंकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। देखना यह है कि वन विभाग की कुंकर्णी नींद कब टूटती है, क्या वो वन जीव और मानव के बीच संघर्ष की स्थिति का इंतजार कर रही है, या उसकी कुंकर्णी नींद अभी तक जारी है। देखना यह है कि इस संबंध में वो अंकुश कब तक लगा पाती है। कादरी मसूद, ईटीवी भारत, बहराइच।